हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग। द फर्स्ट लेक्चर इन द फर्स्ट लेक्चर आई कवर्ड अबाउट द फीचर्स, द इम्पॉर्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इन द सेकंड लेक्चर वी कवर टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इन द थर्ड लेक्चर विल बी कवरिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहले दोनों लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के लेक्चर में मिल जाएगा। उन दोनों टॉपिक्स को भी डेफिनेटली कवर कर लें सो दैट आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसमें सिक्स स्टेप्स होते हैं, पहले पूरे सिक्स स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन टीम, सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ डिमांड, थर्ड इज नेगोशिएशन प्रोसेस, फोर्थ इज बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज, फिफ्थ इज प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड सिक्स्थ इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो इस तरह से हमें ये सिक्स स्टेप्स पूरे करने होते हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। लेट्स टेक अप ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल नाउ। सो द फर्स्ट स्टेप इज कंपोजिशन ऑफ नेगोशिएशन टीम। सबसे पहले हमें एक टीम बनानी है जो हमारे बिहाफ पे जाकर के बात करेगी। तो नेगोशिएशन टीम कैसे बनती है? दे शुड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो हमें पता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या वर्कर के बीच में होती है। तो दोनों ही लोग, मतलब एम्प्लॉयर भी अपनी एक टीम बनाता है और जो एम्प्लॉई और वर्कर्स होते हैं वो भी अपनी एक टीम तैयार करते हैं। और वो जो टीम बनाई जाती है वो कुछ क्वालिटीज को ध्यान में रख के बनाई जाती है। दैट मीन्स दे मस्ट हैव स्किल्स, दे मस्ट हैव जॉब नॉलेज और उन्हें कम से कम नेगोशिएशन करना आता हो। तो इन चीजों का ध्यान में रख करके दोनों लोग अपनी अपनी टीम तैयार करते हैं सो दैट कि वो टीम एक साथ बैठ करके बात कर सके, बार्गेनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। दे मस्ट हैव द फुल अथॉरिटी टू स्पीक एंड मेक डिसीजन। यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टीम आप बनाते हो ये टीम बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करती है। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ ये है कि दे आर कंप्लीटली फ्री टू टॉक, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपके बिहाफ पर बात कर सके, प्लस वो कोई भी डिसीजन ले सकती है इन द मीटिंग, इन द नेगोशिएशन प्रोसेस और इन द बार्गेनिंग प्रोसेस। तो ये जो टीम होती है वो बेसिकली, चाहे वो एम्प्लॉयर के साइड की हो चाहे वो एम्प्लॉई की साइड पर हो, वो बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेशन है और वो आपके बिहाफ पर डिसीजंस भी लेता है इन द मीटिंग प्रोसेस। अब जब हम इस टीम को बनाते हैं, इस टीम में जो मेजर एक मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी वो ये रखनी है कि हमें उन लोगों को टीम में डालना है हु हैव द नॉलेज ऑफ ऑपरेशन। दैट मींस उन्हें किस तरह से काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में पूरा पता है, उनको उनको वर्किंग कंडीशंस के बारे में पता है, उनको प्रोडक्शन के नॉर्म्स के बारे में पता है। तो जब भी हम अपनी टीम बनाते हैं हम बेसिकली एक नॉलेजेबल टीम बनाते हैं जो इन एंड आउट ऑर्गेनाइजेशन को समझती हो और उसके उनको सारा प्रोसेस भी पता है कि यह प्रोसेस क्यों हो रहा है, किन डिमांड्स के ऊपर हो रहा है, तो वो सारी चीजों को वो समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बेसिक क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है उन लोगों में। दैट मीन्स कि उनका एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, मतलब हम उन लोगों को डालते हैं इस पर्टिकुलर टीम में जिनके व्यूज जो हैं वो बायस्ड नहीं है, मतलब वो पहले से ये सोच के नहीं जा रहे कि मैनेजमेंट बिल्कुल गलत है या वर्कर्स बिल्कुल गलत हैं। तो इस तरह के सोच वाले लोगों को हम इसमें नहीं डालते। प्लस जिनका टेम्पर बिल्कुल सही है, जो तुरंत गुस्से में नहीं आ जाते, जिनका थोड़ा एनालिटिकल माइंड है, प्लस थोड़ा ऑब्जेक्टिव आउटलुक रखते हैं, तो इन सारी चीजों का कुछ बेसिक स्किल्स हैं, कुछ जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं, इन सारी चीजों का ध्यान में रख करके हम नेगोशिएशन टीम तैयार करते हैं जो हमारे बिहाफ पे जाके बार्गेनिंग प्रोसेस में डिसीजंस भी लेती है प्लस हमारे बिहाफ पर बात भी करती है। तो सेकंड स्टेप है दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ डिमांड्स, कि जब टीम तैयार हो जाती है तो उसके बाद हम अपने डिमांड्स की लिस्ट तैयार करते हैं। और जनरली जो डिमांड्स बनाए जाते हैं वो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार किया जाता है, मतलब एक लिस्ट सी बनाई जाती है जो कि मैनेजमेंट के सामने रखी जाती है बाय द वर्कर्स। तो दोनों साइड से आप देखोगे मैनेजमेंट भी अपनी एक लिस्ट बनाकर लाती है और जो वर्कर्स होते हैं वो भी अपनी एक लिस्ट बनाकर लाते हैं और दोनों अपनी अपनी लिस्ट के हिसाब से नेगोशिएशन करते हैं। और ये जो लिस्ट बनाई जाती है दैट इज इन कंसल्टेशन विद द अदर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी लेबर है या जो भी एम्प्लॉयज हैं जो यूनियन का पार्ट है वो बेसिकली ये जो लिस्ट पूरी तैयार की जाती है, चाहे वो जितनी भी डिमांड्स उसमें मेंशन की जाती है, ऑल द डिमांड्स आर रिटन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके कंसल्टेशन से ये सारी डिमांड्स यहाँ पर लिखी जाती है। अपार्ट फ्रॉम देयर कंसल्टेशन द टीम मे ऑल्सो कंसल्ट टू द आउटसाइड एक्सपर्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिमांड्स। तो बेसिकली कई सारी डिमांड जो होती है इसमें लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं, इस वजह से जो दोनों टीम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं लॉयर से भी कंसल्ट करती है या कोई और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उससे भी कंसल्टेशन लिया जाता है बिफोर दिस लिस्ट इज फाइनली फाइनलाइज्ड टू बी टेकन इनटू द बार्गेनिंग प्रोसेस। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में हमने टीम तैयार कर ली, सेकंड स्टेप में हमने डिमांड्स तैयार कर लिए। जो थर्ड स्टेप है दैट इज योर नेगोशिएशन प्रोसेस। अब फाइनली आपका नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और यहां पर आपको दो तरह के नेगोशिएशन प्रोसेस देखने को मिलते हैं। जो पहला नेगोशिएशन प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पीसमील नेगोशिएशन। पीसमील नेगोशिएशन का मतलब यह है
कि जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी डिमांड्स हैं या जितनी भी लिस्ट हम बनाकर ले गए उसको हम वन बाय वन उस पर डिस्कशन होता है और वन बाय वन उस पर डिसीजन लिए जाते हैं कि ओवरऑल हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, लाइक फर्स्ट डिमांड पे बात होगी, फिर सेकंड पे होगी, फिर थर्ड पे होगी. सो दैट इज कॉल्ड पीस मील नेगोशिएशन. जो सेकंड अप्रोच होता है दैट इज कॉल्ड टोटल अप्रोच नेगोशिएशन. टोटल अप्रोच में क्या होता है, जितने भी इश्यूज होते हैं सबको एक साथ डिस्कस किया जाता है और उनके टोटल इफेक्ट के बारे में बात की जाती है कि ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका. बट ऑब्वियसली जो पहला वाला मेथड है वो ज्यादा बेटर है क्योंकि उससे हर लेवल पर एक डिसीजन आ जाती है. और कई बार अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड पर आपकी टीम अटक रही है या उस डिमांड पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट बाकी सारे डिस्कशंस को आप कंप्लीट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर डिमांड को बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है. इसके अलावा हम नेगोशिएशन में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि नेगोशिएशन की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होती है नेगोशिएशन का, तो उस पर हम एक सेपरेट लेक्चर कवर करेंगे. प्लस यहाँ पे जो मैनेजमेंट का रोल है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैनेजमेंट को कंप्लीटली बताना पड़ता है कि जो नेगोशिएशन का जो प्रोसेस होगा प्लस जो अथॉरिटी होगी वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, मतलब नेगोशिएशन किस तरीके से किया जाएगा, वो वन बाय वन होगा या सिक्वेंशियल होगा या रैंडम होगा या एक टोटल इफेक्ट देखा जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को पहले से ही क्लियरली बताना पड़ता है सो दैट की प्रिपरेशन दूसरी टीम भी उसी हिसाब से कर आ सके. देन कम्स द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड द बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी. अब इसके बाद हमें बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी पे आना है. वैसे यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई ऐसा एज सच कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नेगोशिएशन की यहाँ पे नहीं यूज होती क्योंकि नेगोशिएशन की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं और अलग अलग सिचुएशन में हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हैं. बट यहाँ पर कुछ चीजों पर ये डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल कि सिचुएशन किस तरह की है. सिचुएशन मतलब मैनेजमेंट ज्यादा बार्गेनिंग पावर होल्ड कर रहा है या वर्कर ज्यादा बार्गेनिंग पावर होल्ड कर रही है, इस चीज पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा नेगोशिएशन का प्रोसेस क्या होगा. सेकेंड, नेचर ऑफ डिमांड क्या है. अगर तो जॉब रिलेटेड नेचर ऑफ डिमांड है या वर्किंग कंडीशंस रिलेटेड डिमांड है तो ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा सा लेबर का अपर हैंड होता है. ऑन द अदर साइड अगर वेजेस रिलेटेड डिमांड है या बोनस रिलेटेड डिमांड है तो वहां पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का अपर हैंड देखने को मिलता है. तो डिमांड का नेचर क्या है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्ड, टाइम किस तरह का चल रहा है. यहां पर जो टाइम हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका टाइम कैसा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का. वो टाइम अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है. कई बार ऑर्गेनाइजेशन रिसेशन से गुजर रही होती है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा कर रही होती है. तो उस टाइम के हिसाब से भी आपकी नेगोशिएशन और आपकी बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी वैरी कर जाती है. स्ट्रेंथ एंड अदर मार्केट कंडीशंस. प्लस कई बार क्या होता है, मार्केट कंडीशंस को भी हमें देखना पड़ता है कि मार्केट कंडीशंस किस तरह की चल रही है, कॉम्पिटिशन किस लेवल का है, लेबर मार्केट में क्या चल रहा है, इसके अलावा ओवरऑल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज क्या हो रहा है. इन सभी चीजों का इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है और उसका इन्फ्लुएंस वर्कर्स पे पड़ता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सभी चीजों का ध्यान रखें व्हाइल डूइंग द बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कोई वन साइज फिट्स ऑल टाइप ऑफ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट की स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस. बट यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये है दैट कीप द अटेंशन ऑन द एंटायर पैकेज एंड अल्टीमेट रिजल्ट्स रादर देन ऑन इमीडिएट गेन्स और लॉसेस. मतलब ओवरऑल इंपैक्ट पे ध्यान रखिए. किसी हो सकता है कि मैनेजमेंट आपकी कोई एक डिमांड ना माने या दो डिमांड ना माने, आपको तब भी उस चीज को एग्री कर देना चाहिए कई बार, क्योंकि हो सकता है ओवरऑल जो उस चीज का इंपैक्ट पड़े लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिशियल हो. मतलब हमें लॉन्ग टर्म सोचकर बार्गेनिंग करनी है. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में कई बार हम अपना लॉन्ग टर्म लॉस कर लेते हैं. सो दैट शुड नॉट बी डन. देन द फिफ्थ स्टेप. इसके बाद जो पांचवा स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट. आपका बार्गेनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, डिमांड के ऊपर डिस्कशंस हो गई, तो उसके बाद आप एग्रीमेंट बनाते हो जो कि फाइनली आउटकम है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस का. मतलब आपने जितना प्रोसेस किया उस सब प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट है वो एग्रीमेंट है. और ये जो एग्रीमेंट होता है ये बेसिकली रिटन होता है, इट इज पुट इट ऑन द पेपर. ये प्रॉपरली रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में इसको तैयार किया जाता है. एक चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि लीगल टर्मिनोलॉजी को आप अवॉइड कर सको, जहां पर नेसेसरी है सिर्फ वहीं पर यूज करिए. उसका रीजन ये होता है कि इस एग्रीमेंट को बाद में लेबर ने भी रेफर करना है, बाद में एम्प्लॉयर्स ने भी रेफर करना है, तो कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो. दैट मीन्स आप लीगल अगर टर्मिनोलॉजी को जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना बेटर होगा. मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस एग्रीमेंट को बनाएं. ये जो एग्रीमेंट होता है इस एग्रीमेंट को ऑब्वियसली ये रिटर्न तो होता ही है और दैट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल द कंसर्न्स. जितने भी कंसर्न लोग हैं उन सभी लोगों को इसकी कॉपी दी जाती है, सभी लोगों को दिखाया जाता है, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और पता चले कि एग्जैक्टली जो बार्गेनिंग हुई है उसका फाइनल एग्रीमेंट
क्या निकल कर आया, उसका फाइनल आउटकम क्या निकल कर आया। हमारी कंट्री में सेक्शन 2P जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, उसमें ऑलरेडी सेटलमेंट का क्लॉज दिया हुआ है, जहां पर क्लियरली ये मेंशन किया जाता है कि यू मस्ट क्रिएट एन एग्रीमेंट दैट शुड बी रिटन साइंड बाय बोथ द पार्टीज, शुड बी शेयर्ड विद ऑल द कंसर्न्ड पीपल, और उसके थ्रू आप इसको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्स स्टेप होता है, दैट स्टेप इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। अब आपका एग्रीमेंट भी बन गया, सबको दिखा दी भी दिया गया, तो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है। जब एक बार आपका एग्रीमेंट बन गया, एक्सेप्टेड हो गया, साइंड हो गया, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। ऑब्वियसली जो एग्रीमेंट बना होगा उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाली गई होंगी। अब उस जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो एम्प्लॉयर के लिए भी होती है और लेबर के लिए भी होती है, तो आपको ये भी देखना है, इंश्योर करना है कलेक्टिव बार्गेनिंग की टीम को कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या उसको कौन तोड़ रहा है उन नियमों को, एम्प्लॉयर तोड़ रहा है या वर्कर्स तोड़ रहा है, बिकॉज ये दोनों ही लोग उस नियम को नहीं तोड़ सकते, बिकॉज वो सभी कुछ रिटन है और अब वो एग्रीमेंट के फॉर्म में आ चुका है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ऑल द वर्क, जितना भी वर्क अब होगा, दैट विल बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रेटिफाइड एग्रीमेंट। अब जो एग्रीमेंट बना है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना पड़ेगा, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही आप फॉलो करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा किसी भी पार्टी को तो वो उस एग्रीमेंट को रेफर करेंगे कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था उस पर्टिकुलर क्लॉज को लेकर। जब ये सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो पहले टीम बनाना है, फिर डिमांड की लिस्ट बनानी है, फिर आपस में नेगोशिएशन शुरू होगा, फिर बार्गेनिंग की स्ट्रेटजीज होंगी, फाइनली एग्रीमेंट बन जाएगा और एग्रीमेंट को इन्फोर्स करते हुए हमें उसको फॉलो भी करवाना है लोगों को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। विद दिस वी आर कवर्ड द कलेक्टिव बार्गेनिंग चैप्टर इन डिटेल नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।